हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग राइट नाउ क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं अपनी अलन ऑफ की क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि अपनी है अल्नर क्लोहैंड। तो मेरे लिए आपको जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये अपने अल्नर क्लोहैंड ही है। अगर आपको मैं समझाऊं अल्नर क्लोहैंड में क्या होता है, तो मेरे लिए अल्नर नर्व जो होती है वो अपनी मीडियल कॉन्डाइल के बिहाइंड से पास करती है, और अगर कभी वहां से अगर इसकी इंजरी हो जाए तो इस कंडीशन का अपन बोन लगते हैं अल्नर क्लोहैंड। और जो अल्नर नर्व जो है वो आपको पता है अपने हैंड में पूरे अपनी इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करता है। सिर्फ आपको यहाँ पे अपनी थिनार मसल और लेटरल टू लम्ब्रिकल मसल को छोड़ के पूरी इंट्रिंसिक मसल जो होती है हैंड की, वो अपनी अल्नर नर्व ही सप्लाई करता है। अब क्योंकि यहाँ पे अल्नर नर्व के अंदर डैमेज हो गया, तो यहाँ पे जो मीडियल टू लम्ब्रिकल मसल जो है ना, वो दोनों मसल के अंदर यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे हाफ क्लोहैंड देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। इसी कंडीशन का अपन बोलते हैं अल्नर क्लोहैंड। तो मेरे लिए अल्नर क्लोहैंड जो है, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में से शॉर्ट नोट आपको नहीं आता, ये सिर्फ केस स्टडी में आपको आ सकता है। तो केस स्टडी में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात आती है आपको पहचानना आना चाहिए कि केस स्टडी जो है वो अपनी अल्नर नर्व का है। तो उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें उसको बीडीसी से ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीडीसी में जो है अपनी क्लिनिकल एनाटॉमी बेस्ट दी हुई है। तो पहले केस स्टडी पहचानने के लिए तुम्हें ना, तो केस स्टडी में ही लिखा होगा या तो देखो यहाँ पे अल्नर क्लोहैंड हुआ है, या फिर आपको यहाँ पे सेंसरी लॉस से समझना पड़ेगा। अब याद रखना अल्नर नर्व क्या करता है, आपको पता है अपने हैंड में इसके पाम वाला आधा साइड और अपने डॉर्सम में इसका मीडियल वाला आधा साइड को सप्लाई करता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा रहे कि देयर इज अ सेंसरी लॉस इन द मीडियल वन थर्ड ऑफ द पाम एंड मीडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, कभी इस तरीके से अगर लिखा रहे, तो आप क्लियर समझ जाना कि ये जो अपने अल्नर नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है अपने केस स्टडी में जो है वो आपसे ये पूछते हैं कि ये मेनली इस डिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्नर क्लोहैंड। और किसके कारण हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी अल्नर नर्व के डैमेज के कारण हुआ है। तो फिर आप ये भी यहाँ पे लिख देना, मोस्ट कॉमनली यहाँ पे इंजरी कहाँ होता है, याद रखना एट एल्बो बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे की तरफ मेनली यहाँ पे जो इंजरी होती है। उसके बाद वो आपसे मसल पूछ सकते हैं कौन कौन सी मसल में पैरालिसिस हो गया। तो याद रखना अपनी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल और अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम फंडस का, अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रो फंडस का हाफ पार्ट, मीडियल हाफ पार्ट, यहाँ पे जो है ये दो मसल अपनी पैरालाइज हो जाती है अपने फोरआर्म में। उसके अलावा इंटेंसिंग मसल जो होती हैं अपनी हैंड में, वो सारी मसल भी अपनी यहाँ पे हो जाती है पैरालिसिस। देन फिर आपसे वो पूरा जो अल्नर नर्व है उसका कोर्स पूछ सकता है, फिर वो आपसे उसकी ब्रांचेस भी पूछ सकते हैं। और वो दोनों चीज़ मैं जो वो है वो अपनी एनाटॉमी की वीडियो में बता चुका हूँ, उन दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। फिर वो आपसे डायरेक्ट किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ सकते हैं कि अपने अल्नर क्लोहैंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं आपको फिर से करके बताऊँ, कुछ इस तरीके से इसकी जो है डिफॉर्मिटी रहती है। तो आप उसको लिखोगे कैसे, तो क्या होता है ये वाली जो बोन है इसे अपन बोलते हैं मेटाकार्पल, और यहाँ पे अपनी रहती फेलेंजेस, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसे अपन बोलते हैं मेटाकार्पल फेलेंजल जॉइंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपनी मेटाकार्पल फेलेंजल जॉइंट इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती है पूरी, और जो अपनी फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट है उसे अपन बोलते हैं इंटरफेलेंजल जॉइंट, वो कुछ इस तरीके से फ्लेक्स हो जाती है। तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ इसी तरीके से लिखना है कि देयर इज अ हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पल फेलेंजल जॉइंट एट मेटाकार्पल फेलेंजल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेलेंजल जॉइंट इन्वॉल्विंग रिंग और लिटिल फिंगर। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे सेंसरी लॉस के बारे में भी लिख देना कि टोटल यहाँ पे जो अपना सेंसरी लॉस हो जाता है अपना मीडियल वन थर्ड ऑफ पाम, पाम वाला साइड में मीडियल वन थर्ड का, उसके अलावा पूरा मीडियल हाफ जो रहता है अपना डॉर्सम ऑफ हैंड का, वहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी पड़ती है अल्नर नर्व की। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली मीडियल नर्व के बारे में, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा।